हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 या फिर आप कह सकते हैं न्यू बजाज पल्सर 150, जहां पर काफी नई अपडेट्स के साथ कंपनीज को दोबारा इंडियन मार्केट में उतारा है। अब दोस्तों प्राइस, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन वीडियो का जो मेन मुद्दा रहेगा कि चलाते वक्त बाइक आपको एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है, ताकि एंड तक वीडियो का आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि इस बाइक को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर अगर आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं इस सेगमेंट पे और बाइकों के साथ तो कितनी सही होगी ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू ओएसएल बजाज ठाकुर पुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं, देन इसकी राइड रिव्यू पे चलेंगे। सबसे पहले की देख लीजिए, नॉर्मल की ही आप लोगों को यहां पर देखने में मिलेगी, जैसे पहले मिलता था। अब दोस्तों वेरिएंट अगर आप लोग देख रहे हैं, दो आप लोगों को मिलेगा। ये स्टैंडर्ड एडिशन आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर आप लोगों को सिंगल डिस्क और सिंगल स्प्लिट, मतलब सिंगल डिस्क और सिंगल सीट आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप लोगों को डुअल डिस्क और स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो बेस मॉडल है या फिर आप इसको स्टैंडर्ड मॉडल कह सकते हैं, इसकी प्राइस 1,37,500 तक अप्रॉक्स आपको मिलेगी, और टॉप मॉडल जो ट्विन डिस्क मॉडल है वो आप लोगों को 1,41,500 तक में मिलेगा। 4,000 से 5,000 रुपये तक का प्राइस गैप है, बाकी एग्जैक्ट प्राइस दोस्तों आप लोगों ने भी स्क्रीन पर भी देख ली है, ठीक है। और अगर आप लोग कलर देखें ना, फिलहाल के लिए मार्केट में आप लोग को ब्लैक और रेड वेरिएंट ही देखने में मिल रहा है, बाकी जो ब्लू ब्लैक है, जो सिल्वर ब्लैक है, वो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों चीज़ें आप लोगों को मिल क्या कह रही है, तो नया जो आपको देखने को मिलेगा वो है ग्राफिक्स 150 का। आप लोग देख सकते हैं जो ग्राफिक है वो आप लोग को मिल रहा है, पल्सर पहले भी ऐसी आया करती थी। यहाँ पर भी हल्का सा स्टिकरिंग आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ये जो रियर पैनल है यहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने में मिल रही है। तो राइट और लेफ्ट में दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो हेडलैम्प है उसमें भी कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग आप लोगों को देखने में मिलती है। दूसरा जो चेंज है दोस्तों वो मैं कहूंगा कि ये चार्जिंग पॉइंट जैसे जो आपको पहले देखने में नहीं मिलता था। तीसरा अगर आप लोग चेंज देखेंगे दोस्तों तो वो है ये मीटर कंसोल, जो कि कंप्लीटली अभी चेंज हो चुकी है। अभी जैसे एनएस में आप लोगों ने देखा था वही मीटर कंसोल है, कंप्लीटली डिजिटल है और ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप देख सकते हैं। जैसे ऑन होती है पूरा एक बार ये स्वाइप यहां पर भरती है, या आरपीएम मीटर आप लोगों को देखने में मिल रहा है, देन जो ओडोमीटर है वो आप लोग देख पा रहे हैं, टाइम दिखा रही है, फ्यूल गेज सेंसर रिफिल करने को कह रही है, ओडोमीटर और ट्रिप भी आप लोगों को यहां पर दिख रही है, क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों। भले आप लोग यहां पर टर्न बटन नेविगेशन डायरेक्ट इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन कॉल, एसएमएस अलर्ट या फिर फोन की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, बैटरी स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही अगर कोई कॉल कर रहा है, इस बटन के सहारे अगर आप रिसीव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, रिजेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और इसी बटन के सहारे दोस्तों पूरा आप यहाँ पर टॉगल भी कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रिप भी, एंटर सेटिंग्स कह रही है, यहाँ पर आप लोग क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पल्सर 8241 बता रही है, मतलब 8241 चासी की 4 लास्ट डिजिट है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 1, डिस्टेंस टू एमटी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 1, मतलब ट्रिप ए और बी के लिए भी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एंटर वार्निंग वगैरह बता रही है, क्योंकि अभी फ्यूल कम है तो अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फ्यूल भी यहाँ पर एंटर करने को कहेगी, मतलब फ्यूल भराने के लिए कहेगी। और अगेन अगर आप लोग इस बटन को प्रेस कर रहे हैं, एंटर सेटिंग्स मतलब क्लॉक वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन तो दोस्तों है नहीं, लेकिन टर्न सिग्नल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप वो भी देख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जो न्यूट्रल पोजिशन सेंसर है वो आप लोगों को दिख रहा है, एबीएस का सेंसर, और यहाँ पर इंजन मैलफंक्शन लाइट का सेंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो तीन जो बड़ा चेंज था दोस्तों वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मीटर कंसोल के बाद सबसे पहला जो चीज़ आपको दिखेगा दोस्तों वो है इसकी लाइट, और इसमें कोई चेंज नहीं हुई है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑन करके बता दूँ, आप देख सकते हैं जैसे हैलोजन पहले आपको मिलता था, सेम आपको अभी भी देखने में मिल रहा है, दो पायलट हैलोजन के साथ, और हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच आपको यहीं पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आप लो बीम देख रहे थे, हाई बीम है और अगेन लो बीम, और ये पासवर्ड का स्विच कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और फ्लेक्सिबल जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है पहले की तरह दोस्तों आपको अभी भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों काफी तगड़ा सा फाइबर का मड गार्ड, 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस के साथ 260mm की यहाँ पर जो ब्रेक डिस्क है वो मिल रही है, और 31mm की यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल में जाते हैं, वहाँ पर 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 280mm की डिस्क और 37mm का फोक मिलता है, तो एक आप कह सकते हैं कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज है अगर आप लोग बेस मॉडल से उठ के ट्विन डिस्क मॉडल पर जा रहे हैं। इंजन में अगर आप लोग देखें दोस्तों, चाहे ये बेस मॉडल हो टॉप मॉडल हो, सेम ही आप लोगों को मिलेगा, बाकी टॉप मॉडल में ये क्विक नहीं है जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये इंजन काउल वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 149.5cc SOHC 2-valve एयर कूल फिलेटेड इंजन देखने को मिलेगा। पावर फिगर्स मैक्सिमम आप लोगों को 14 PS तक की मिलेगी, 13.25 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं फुटरेस्ट की या फिर ये ब्रेक लीवर की, बाकी टॉप मॉडल में ट्विन डिस्क में ब्रेक लीवर भी आप लोगों को अलग मिलती है, ये भी काफी अच्छी है। और यहां पर अगर आप लोग इसकी एग्जॉस्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो साउंड आप लोग इसकी सबसे पहले सुन लीजिए।
ये साउंड आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया दोस्तों, बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा साउंड आप लोगों को लगी कैसी। एक बार दोबारा इसकी जो की है उसको ऑन करना चाहूंगा, बाकी वो ऑन ही है। और जब आप इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे दोस्तों, तभी यहाँ पर ये जो आइकॉनिक से टेल लैंप है वो आप लोगों को जलता हुआ भी दिखेगा। और टर्न सिग्नल दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को फ्रंट की तरफ फ्लेक्सिबल बल्ब की देखने में मिल रही है। टायर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 100x90 सेक्शन का मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल में 120x18 का मिलता है। और दोनों में आप लोगों को 17 इंच की अलॉय व्हील मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को 130mm का ये जो ड्रम ब्रेक है ये मिल रहा है विद RLP सेंसर। टॉप मॉडल में आप लोगों को 230mm की ब्रेकिंग मिलती है। और दोनों ही मॉडल में दोस्तों आप लोगों को एंड्योरेंस की जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ये आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पर साड़ी गार्ड आपको मिल रहा है, लेकिन टॉप मॉडल में लेडीज फुटरेस्ट आपको नहीं मिलती है। बाकी मेन स्टैंड साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर विद 5-speed गियरबॉक्स दोस्तों आप लोगों को दोनों ही मॉडल में बिल्कुल देखने में मिलेगा। हिल एंड टो शिफ्टर आपको यहाँ पर दोनों मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं दोस्तों तो ये जो हिल है शिफ्टर ये आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। और साथ ही दोस्तों सीट अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन आप लोग को यहाँ पर 785 तक की सीट हाइट मिलेगी। और कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। और अगर यहाँ पर टैंक देख रहे हैं दोस्तों 15 लीटर की है, E20 का सपोर्ट भी है, मतलब इंजन को अगर आप लोग E20 फ्यूल से रन करना चाहते हैं फ्लेक्स फ्यूल से तो वो भी आप कर सकते हैं। करीबन दोस्तों आप लोग 40 से 45 किलोमीटर तक की माइलेज भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, बाइक को इस हाइट के साथ मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 mm की, और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 148 किलोग्राम की, लेकिन टॉप मॉडल 150 किलोग्राम की आती है। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी यहाँ पर ये मतलब हैंडल बार देखते हैं तो यहाँ पर क्लिप ऑन आपको मिल रही है, साथ ही यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये M का बटन आपको मिल रहा है। टर्न सिग्नल यहाँ पर डुअल हॉर्न मिलता है दोस्तों आप लोगों को, काफ़ी लाउड है। यहाँ पर राइट साइड में दोस्तों इंजन किल स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने यहाँ पर सुन ही लिया है। मीटर कॉन्सोल मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आईना वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा ही व्यू निकाल कर देती है, जिसके बारे में चलते हुए आगे हम लोग बिल्कुल यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया मोटा मोटा गाड़ी में आपको मिल कर रहा है, चलिए अब इसकी राइड पर चलते हैं, देन बात करेंगे कि भाई कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों राइड रिव्यू स्टार्ट करेंगे ऑफ 2024 या फिर कह सकते हैं न्यू बजाज पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल। और जब आप सीट पर बैठे हैं दोस्तों 785 तक की सीट हाइट है और काफ़ी कंफर्टेबल है, तो जो सॉफ्ट साइड पर आप कह सकते हैं पैर कंप्लीटली यहाँ पर जो फ्लैट फुट है वो यहाँ पर बिल्कुल हो रही है। और आपके हाइट अराउंड अगर 5'2" तक की भी है आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। आप दोस्तों चलते 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 बात करेंगे फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब दोस्तों शायद मुझे यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर आपको मतलब टेस्ट करके बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि देखिए मैं जो ट्विन डिस्क मॉडल है ना उसका मैं ओनर हूँ और मैं उसको एवरीडे राइड के लिए मतलब राइड के लिए यूज़ भी करता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए इनिशियल जो पंच है ना 150cc के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी बेहतर आपको देखने में मिलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। हाँ अब देखिए आप ना हल्का सा सामने की तरह झुक रहे हैं, बहुत हल्का सा, बाकी क्लिप ऑन हैंडल बार तो आपको मिल रहा है। स्पेशियस सीट है दोस्तों, अगर आप लेडीज़ के साथ मतलब लेडीज़ है वो पिलियन हो, ठीक है, आप मतलब आराम से आप मतलब जो पिलियन है उसके साथ आप राइड कर पाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ दोस्तों अगर काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं ना, अगर पिलियन और राइडर दोनों ही काफ़ी हेल्दी है तो देखिए सिंगल राइड पे चाहे आप कितनी भी हेल्दी हो जाए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर पिलियन भी हेल्दी हो जाती है ना, मतलब मान के चलिए पीछे आपके जो बैठ हैं वो शायद मतलब 85-90 किलोग्राम के हैं, उस टाइम पे ना हल्की सी वो जो पावर में लैग वगैरह वो आप लोगों को फील हो सकती है, ठीक है। बाकी सिंगल राइड पे या फिर अगर आप पिलियन के साथ भी बैठ रहे हैं 60-70 किलोग्राम तक की भी वेट है तो आराम से आपको उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कुशनिंग वगैरह सही है दोस्तों, काफ़ी सही है। अगर आप 100-150 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच मतलब रन करना चाह रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है, कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं हुई है। और अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्लच है ना ये मिड साइड पर है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और अगर आप लोग ये शिफ्टिंग वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो मक्खन की तरह शिफ्ट होती है, चाहे आप शिफ्ट हो चाहे डाउन शिफ्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मक्खन की तरह शिफ्ट होगी, ठीक है। और हल्का से क्लिक साउंड भी आप लोगों को मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों अब हर वीडियो की तरह इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नैरो रोड है, प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ ट्राई नहीं कीजिएगा, ये बस आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। 3 हॉर्न के साथ ट्राई करेंगे, टू 60 आप लोगों ने देख ली है, टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। और ये भी इसने आराम से पार कर लिया है। देखिए दोस्तों 0 to 60, 0 to 100 ये आराम से अचीव कर जाती है। मैं ये कहूँगा दोस्तों 85-90 तक तो मतलब बहुत इजीली पार करती है, ठीक है, जब 100 तक आप जाते हैं ना तो हल्की सी वो मतलब स्पीड अचीव करने में थोड़ा सा समय लेती है। बाकी दोस्तों 150cc की बाइक है, इससे इतनी मतलब इतना बेहतरीन आपको रिस्पांस मिलेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा क्या ही और आप मतलब इसमें से मांग कर सकते हैं ना। एक बार अगेन दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर टर्न करेंगे, अगर पीछे कोई नहीं है, जी पीछे कोई है नहीं, टर्न कर लेते हैं इसको।
तो ये दोस्तों काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा। अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों 85 तक जब आप जा रहे हैं ना तो भाई आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा वाइब्रेशन समझ में आएगा। बाकी दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं ना 80-90 तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाईवेज पर भी अगर आप राइड कर रहे हैं आराम से आप बहुत कम वाइब्रेशन के साथ 90 तक भी अगर आप देख रहे हैं ना तो आराम से आप राइड कर पाएंगे। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। बाकी हाँ अगर आप लोग ट्विंडिस वाली मॉडल पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थोड़ा और बेहतरीन महसूस बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों अब इसकी ब्रेकिंग का समय हो चला है, ठीक है। एक बार दोस्तों इसको थोड़ा स्पीड पर लेते हैं 60 किलोमीटर तक, देन हम लोग इसकी फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाई। देखिए दोस्तों मतलब मैं ट्विन डिस्क वाली मॉडल यूज़ करता हूँ, वहाँ पर 280 mm की ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल डिस्क वाली वेरिएंट में 260 mm की, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों काफ़ी बेहतरीन ब्रेकिंग है। और ये जो ब्रेक लीवर आप देख रहे हैं ना ये मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, तो जितना पुल कर रहे हैं ना ब्रेक को उतनी ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी काफ़ी सही ब्रेकिंग है दोस्तों। और रेयर में आप लोगों को यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक है वो मिला, तो इसको 50 पे ले चलेंगे देन ब्रेक करेंगे दोस्तों एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। ये देखिए जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया तो ये हल्का से फिसलने जैसा आवाज आई, बाकी बाइक फिसली नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये जो टर्निंग है ना, ठीक है, ये देखिए आराम से आप हल्की सी जगह पे आप इसको टर्न भी कर पाएंगे। ये देखिए हल्की सी जगह पे आप टर्न भी कर पा रहे हैं, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको फील नहीं होगी। और जैसे दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ बेस्ट अगर आप ब्रेकिंग देखना चाहते हैं तो रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करना होता है, तो वही अप्लाई करते हैं दोस्तों 55 तक ले चलेंगे एंड देन रियर विथ फ्रंट ब्रेक, रियर विथ फ्रंट ब्रेक एट 61। मैं कह सकता हूं दोस्तों आप लोगों को मतलब ब्रेकिंग में से यहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है, मतलब काफ़ी सही ब्रेकिंग आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि ट्विन डिस्क जो मॉडल है ना उसमें आप लोगों को ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतरीन देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी जो ब्रेकिंग आपको मिल रहा है इसमें से शिकायत नहीं होगी आप लोगों को, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप बेहतरीन देखना चाहते हैं तो आप लोग को ट्विन डिस्क मॉडल पर शिफ्ट करना होगा, 4,000-4,500 रुपये आप लोग को ज़्यादा पे करनी होती है वहाँ पर, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट सस्पेंशन और हैंडलिंग, तो सस्पेंशन दोस्तों देखिए मतलब अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो फैक्ट्री फिटेड सेटिंग होती है, आप चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, दोनों ही आप लोगों को मिड साइड पर मिलती है और ये काफ़ी सही लगती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप मतलब किसी पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं ना तो ये जो फैक्ट्री फिटेड सेटिंग है मतलब स्पेशली रियर सस्पेंशन की, वो आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टर फील होगी, ठीक है। बाकी हाँ ये है कि अगर आप चाहें तो इसको मतलब अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं अगर आप रियर सस्पेंशन को भी टाइट करवाना चाहते हैं तो, लेकिन फैक्ट्री फिटेड में आपको क्या मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर भी हैं या फिर अगर आप लोग मतलब आप कह सकते हैं टॉप स्पीड पर भी है या अगर आप थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग वगैरह भी करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से ये बाइक आप लोगों के साथ निभाएगी। और स्पेशली अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं दोस्तों ना, तो इसकी जो ट्विन डिस्क वाली मॉडल है जो मैं यूज़ करता हूँ ना मैं उसमें गजब की कॉर्नरिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। अगेन यूएसडी जितनी उतनी बेहतरीन तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बाइक को आप लोग मतलब गांव देहात में भी चलाएंगे, ठीक है, काफी सही बाइक है उसके लिए आप दे सकते हैं। यहां पर ये जो सस्पेंशन है ना, भले आप लोगों को मतलब ये हाइड्रोलिक वाली मिल रही है और डुअल मिल रही है यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोग इसको ये ऊबर खबर रास्तों पर भी चला रहे हैं ना तो रियर जो सस्पेंशन है ना दोस्तों ये आप लोगों को काफ़ी मदद करती है, ठीक है। मतलब जो झटका वगैरह है ना वो आपकी बैक पे ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी फील नहीं करा रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑफ रोड पर भी ये काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को साथ निभाएगी, ठीक है। और दोस्तों अब अगर आप लोग हैंडलिंग कहते हैं तो भाई ये जब आप कर रहे हैं ना, भले ही दोस्तों ये 148 किलोग्राम की है या फिर ट्विन डिस्क वाली जो मॉडल है 150 किलोग्राम की वेट टोटल मिलती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ दोस्तों चलाते वक्त ना ये फन टू राइड बाइक है दोस्तों, मतलब आप लोग इसको एंजॉय करेंगे चलाते वक्त, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसको डेली राइड करता हूँ, भाई मज़ा आ जाता है। देखिए दोस्तों आप लोगों को ना टाइम टू टाइम पे सर्विस पे डालनी होगी, तीन मतलब 2,500 से 3,000 किलोमीटर पे आप लोगों को सर्विस पे डालना होगा या फिर 3 महीने में इसको आप लोगों को सर्विस पे डालना होगा, ठीक है। जो भी पहले आती है 3 महीना या फिर 2,500-3,000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाता है आप उसको सर्विस पे डाल दीजिए बाइक को, ठीक है। आप इसको 60-70 मतलब उससे ऊपर बहुत ज़्यादा मत भगाइए। देखिए ओकेशनल अगर आप 100 पर खींचते हैं वो बात अलग है, लेकिन हर वक्त आप 100-110 पे खींच रहे ये मत कीजिए। 60-70 तक अगर आप मैक्सिमम इसको खींच कर चला रहे हैं ना दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस माइलेज भी आप लोगों को गजब मिलती है। मुझे 40-45 के बीच में देखने को मिलती है, मतलब मैक्सिमम 42-43 तक ही यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगर आप इसको 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो शायद आप लोगों को 45 तक भी देखने को मिल जाए। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो फ्रंट टू राइट बाइक है, मिरर जो व्यू दे रही है आपको रियर व्यू वो भी आपको काफी गजब ही यहाँ पर देखने में मिल रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग अभी चार्जिंग पॉइंट स्पीडो ओडोटा को सब कुछ मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल रही है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों एक्सेलरेशन काफी अच्छी है, ठीक है। आप स्पेशियस सीट भी आप लोगों को मिल रहा है, काफी कंफर्टेबल राइड आपको दे रही है, ठीक है। जो फुटपेक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये थोड़ा सा रेयर फिटेड है, तो मतलब स्पोर्टी एक स्टांस के साथ काफी कंफर्टेबल राइड भी आप लोगों को ये बाइक बिल्कुल दिला रही है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों काफी फन टू राइड बाइक है और डेली राइड के लिए ना आप लोगों को काफी बेहतरीन महसूस हो सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट बाइक के बारे में बात कर लिया, चलिए अब चलते हैं
कंक्लूजन पर बात करते हैं कि भाई ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। राइड के बाद दोस्तों अभय सत्यवचन की घड़ी बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। कंपटीशन की जहां तक बात है दोस्तों FZS वर्जन 4 या फिर अपाचे 160 टूवी वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों अगर आप लोग 160cc में जाना, थोड़ी सी और ज्यादा पावर और थोड़ा सा अगर आप वाइब्रेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर अपाचे वहाँ से स्टू भी खरीद सकते हैं। FZ दोस्तों वहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं तो मतलब 70-80 के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड आपको समझ में नहीं आती है, बाकी वो बाइक भी अच्छी है, 1.5 लाख के ऊपर उसकी प्राइस जाती है, 160 टूबी की भी 1.5 लाख के ऊपर प्राइस चली जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं दोस्तों कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, पल्सर की DNA लुक अच्छा मिलता है, हैंडलिंग आपको काफ़ी गजब की मिलेगी, फैमिली ओरिएंटेड अगर आप हैं तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल सिटी ये आपको मिलेगा, देन आप लोग को यहाँ पर जो कनेक्ट फीचर वगैरह ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग प्राइस वगैरह भी देख रहे हैं ना तो पहले से अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों अगर आप लोग को पल्सर की लुक अच्छी लगती है 40-45 किलोमीटर तक की आपको माइलेज चाहिए, स्पेशली अगर आप लोग फैमिली ओरिएंटेड बाइक है तो ये नॉर्मल सीट, अगर आप लोग थोड़ी स्पोर्टी चाहते हैं तो स्प्लिट सीट आप ले सकते हैं या फिर कनेक्ट टेक्नोलॉजी भी अगर आपको चाहिए थी ठीक है, और अगेन पल्सर की वो जो अच्छी सी हैंडलिंग मिलती है वो आप लोगों को अगर चाहिए था दोस्तों ये जो बाइक है अभी भी 2024 में भी 2024 बजाज पल्सर 150 विद ऑल दिस न्यू अपडेट्स एक बेहतरीन आप लोगों को ऑप्शन कंपनी अभी यहां पर प्रोवाइड करा रही है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा पल्सर 150 ट्विन डिस्क ये स्टैंडर्ड मॉडल या फिर अपाचे 162 भी या फिर FZS वर्जन 4 कौन सी आप लोग खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इस तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।